हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आए मैं आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल होम स्क्रीन सेटअप लेकर आ गया हूं। यहां पर एक डार्क सेटअप मैंने क्रिएट किया है। यहां पर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का एक वॉलपेपर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। देन क्लॉक विजेट की बात करें तो यहाँ पर टाइम देखने को मिल जाता है, डेट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर टेम्परेचर भी देखने को मिल जाता है, साथ में यहाँ पर म्यूजिक भी देखने को मिल जाता है। देन आइकॉन्स की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर ब्यूटीफुल कलरफुल आइकॉन्स देखने को मिल जाते हैं जो कि इस वॉलपेपर के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। देन कंट्रोल सेंटर की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर MIUI 13 कंट्रोल सेंटर सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। देन अगर हम बात करें सेटिंग्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक डार्क बैकग्राउंड देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और लॉक स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पर एंड्रॉयड 12 स्टाइल में लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी मैंने सेम वॉलपेपर को यूज किया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस कंप्लीट सेटअप को अपने पोको या फिर रेडमी डिवाइस में सेट कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम होम स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक थीम डाउनलोड करना होगा जो कि है निंजा सरुतोबी V13/DN और ईजान। इसे हम आइकॉन्स के लिए यूज करेंगे, तो इसे यहाँ पर हमें अप्लाई करना है आइकॉन्स को सिलेक्ट करके। तो यहाँ पर मैं इसे सबसे पहले अप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आइकॉन्स जो है आ चुके हैं यहाँ पर। देन हमें वॉलपेपर सेट करना होगा। ये वॉलपेपर मैंने डाउनलोड किया है पेपर्स ऐप से, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देन हमें यहाँ पर होम स्क्रीन को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो होम स्क्रीन वॉलपेपर है वो भी रेडी हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर विजेट ऐड करना होगा। देन यहाँ पर हम विजेट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ एक KWGT विजेट, तो उसके लिए KWGT प्रो की डाउनलोड करना पड़ता है। आपको पता ही होगा ये एक पेड ऐप है। तो सभी रिक्वायर्ड ऐप्स की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से इंस्टॉल कर लेना। देन यहाँ पर हमें लॉन्ग प्रेस करना है और जाना है विजेट्स पे। देन हमें यहाँ पर KWGT सेक्शन पे जाना है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रैग करके एक विजेट यहाँ पर प्लेस करना है। देन हमें यहाँ पर इसे रिसाइज करना है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। उसके बाद इसके ऊपर टैप करना है। देन जो विजेट है वो है ब्लेंडेड KWGT से, तो आप उसे इंस्टॉल कर लेना सबसे पहले। और विजेट नंबर है यहाँ पर 04, तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं 04। तो आप देख सकते हो ये हमारा विजेट A_04, इस पर हम टैप करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर जाना है लेयर पे। देन यहाँ पर प्लस आइकन पर टैप करके इसे थोड़ा सा बड़ा करना है। उसके बाद इसे यहाँ पर सेव करना है और बैक करना है। तो आप देख सकते हो हमारा जो होम स्क्रीन है वो रेडी हो चुका है जो कि कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। देन कंट्रोल सेंटर और सिस्टम के लिए हम जो थीम यूज करने वाले हैं वो है यहाँ पर S-P-I-R V13। तो आप इसे डाउनलोड कर लेना। देन हमें यहाँ पर क्या करना है, सिस्टम को सिलेक्ट करना है और साथ में स्टेटस बार को सिलेक्ट करना है और इस थीम को भी अप्लाई कर लेना है। उसके बाद हमारा जो कंट्रोल सेंटर है कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर MIUI 13 कंट्रोल सेंटर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देन लॉक स्क्रीन के लिए भी मैं यहाँ पर सेम वॉलपेपर यूज करने वाला हूँ और थीम है यहाँ पर Material X by Ritik Sharma। आप इसे डाउनलोड कर लेना थीम स्टोर में सर्च करके। और अगर आपको पता नहीं है कि MIUI थीम में हम कैसे थर्ड पार्टी वॉलपेपर को यूज कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद यहाँ पर हमें लॉक स्क्रीन पर टैप करना है और थीम को अप्लाई कर लेना है। उसके बाद क्या होगा, थीम का वॉलपेपर यहाँ पर सेट नहीं होगा लॉक स्क्रीन पर, हमने जो वॉलपेपर सेट किया होगा वो ही यहाँ पर आएगा। तो फ्रेंड्स, ये था एक ब्यूटीफुल MIUI सेटअप विद MIUI 13 कंट्रोल सेंटर सपोर्ट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और चलो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। दिस इज चंद सुमान साइनिंग आउट।